आज आपको बीजगणित में मान कैसे निकालते हैं वो बता रहे हैं। देखिए कैसे बीजगणित में मान निकाला जाता है। जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाए, यदि x बराबर हो तो 3x की घातें 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 का मान बताओ। यह प्रश्न मान लीजिए आपको दे दिया जाए, प्रश्न आपको यह दे दिया जाए कि यदि x बराबर 2 x बराबर 2 हो तो 3x की घातें 3 धन 4x स्क्वायर धन 5x धन 15 का मान कैसे इसको आप समझ। सर्वप्रथम तो आप बस तो लिखेंगे 3x की घातें 3 धन 4x स्क्वायर धन 5x धन 15। इसे हल करना है आपको तो आप लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। अब जहां जहां x है वहां पर हम 2 रखते हैं, यानी 3 गुणे 2 की घातें 3 धन 4 गुणे 2 की घातें 2 धन 5 गुणे 2 धन 5। जहां पे x है वहीं पे केवल मान में परिवर्तन किया गया। देखिए यह सब आपका बेस है, आधार है, यही सब चीज आगे बढ़ करके लांग रूप पकड़ता है जिसे आपको बड़ी बड़ी कक्षाओं में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप सीख जाते हैं सब चीज तो आगे आपको बहुत काम करता है। ध्यान दीजिए बीजगणित आपको पढ़ा है, जो बीच में आपकी किताब में पाठ है उसको अपने मन से पढ़ा रहे हैं, प्रश्नावली का सवाल आप लगाइएगा हल कर रहे हैं तो 3 × 2 की घात 3 का मतलब हो गया घातांक में आपको पढ़ाया गया उस दिन जब सुन रहे थे हम। घात का मतलब क्या होता है, जितनी घात लिखी होती उतना बार गुणा, उतनी बार गुणा, यानी 2 की घातें 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 का गुणा 3 बार, यानी इसे लिख सकते हैं आप 2 × 2 × 2। देखिए आप कौन करके सवाल को समझा रहे, इसे लिख सकते हैं 4 × 2 × 2 धन 5 × 2 धन 5। हल कर दीजिए इसको, ध्यान से 3 × 6 × 12 × 24। अगर आप यहीं पे इसको लगाते तो 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 की घात 3 का मतलब 8, यानी 2 का गुणा 3 बार, 2 × 4 × 8। तो आपको यह लाइन नहीं लिखना पड़ता, तो यह लिखना भी आपको लाइन नहीं है, यह तो आपका भी बेस है, इसमें बात किया गया, इसलिए आपको खोल के सवाल को समझा रहे हैं कैसे यह होता है। तो 2 की घात 3 का अर्थ हो गया 8 × 3 = 24, तो यह आपका 24 प्लस 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। देखिए 4 × 8 × 16, यहाँ पर भी 4 × 16, दोनों ढंग से आपको समझा है, आपको यह लाइन लिखने की जरूरत नहीं है बीच में। 5 × 2 = 10 प्लस 15 जोड़ दीजिए सबको, 5 × 6 = 11 + 15 = 5 राशि लगाइए, 1 × 1 = 2 × 1 = 3 × 3 = 4 × 6। इस पूरे सवाल का आंसर आ गया 65। यह 65 कब आया, जब x का मान हमें मालूम होता है। अगर यह x का मान हमें मालूम नहीं होता तो यह सवाल हम नहीं कर पाते, लेकिन यह मान हमें मालूम है इसलिए हम उस जगह पर x का मान रख करके इसको हल कर दीजिए कर दिए और इसका आंसर निकाल दिए 24 36 4 4 7 5। यह है आपकी बीजगणित। चलिए दूसरा सवाल आपको बता देते हैं। कल आपको बताया कि 1 + b² उसमें हम मान रखते हैं क्या, एक सवाल बताते हैं जैसे 2x + 3y² यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 हो तो मान ठीक। अब इसे ध्यान से देखिए, कल का सवाल ऐसा बता रहा है,
2x प्लस 3y का होल स्क्वायर का मतलब 2x प्लस 3y को दो बार लिखेंगे। अगर a प्लस b के होल स्क्वायर पर नहीं लगाना चाहते हैं तो गुणा की विधि से इसको समझा रहे हैं आपको, 2x प्लस 3y को गुणा कर दिए। पहले डायरेक्ट आंसर मत मान मत रखिएगा, पहले गुणा करने के बाद तब मान रखिएगा। तो दो गुना के चार, 4x स्क्वायर सवाल हो गया। तो दो एक्स प्लस तीन वाई का अगर होल स्क्वायर ए प्लस के बी की पब्लिक करते हैं तो ए स्क्वायर चार एक्स स्क्वायर हो जाता है, बी स्क्वायर नौ वाई स्क्वायर होता है, और दो एक्स वाई का मतलब दो गुना के चार तीन बारह एक्स वाई, आपको एक ही लाइन में मिल जाता अगर सब संख्या की सहायता से लगा देता। लेकिन इसे हम गुणा कर, अब मान रख दीजिए एक्स बराबर दो और वाई बराबर तीन रख दिया जाए, चार बुरे दो का वर्ग धन बारह बुरे दो तीन धन नौ बुरे तीन हल कर दीजिए। तो चार अभी बताया आपको कि चार दो का वर्ग क्या होगा, चार बारह दूनी चौबीस, चौबीस तीन बहत्तर, नौ नवा नौ बुरे नौ हल कर दीजिए, चार चौके सोलह धन बहत्तर और नौ नवा इक्यासी जोड़ दीजिए, एक दो तीन छ नौ, एक दो तीन छ नौ और आठ सात पंद्रह एक सोलह, एक दो तीन छ नौ आठ सात पंद्रह पंद्रह एक सोलह, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया एक सौ। इस तरह से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो आज आपको हम बताए कि अगर x और y का अगर मान लिया गया हो तो आप सवाल को कैसे हल करेंगे। अब आज का आपको x का वैल्यू दे देते हैं, दूसरा आपको सवाल दे दिए तीन एक्स धन पांच वाई, दो एक्स धन तीन वाई का।